गांधी जी वर डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट। गांधी जी उनके बूढ़े माता पिता के प्रति इतना बड़ा समर्पण, इतने बड़े त्याग के से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण, वह उन्होंने निश्चय किया कि वह भी श्रवण की तरह बनेंगे एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। सर्व सर्व मतलब सेवा करना, इसी से सर्विस शब्द भी बना है, SERVICE, सर्विस। सर्विस माने सेवा, और सर्व एक क्रिया है, सर्व का मतलब होता है सेवा करना। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, वह इंग्लैंड गए लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, लॉ मतलब कानून, डिग्री मतलब डिग्री, एक योग्यता होती है जो जिसको प्राप्त करने के बाद लोग वकालत कर सकते हैं। तो वो इंग्लैंड गए ताकि वह लॉ की डिग्री यानी कानून की डिग्री प्राप्त कर सके। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग यानी अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया, वह इंडिया वापस लौट आए इन 1893। 1893 ईस्वी में वह भारत लौट आए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, वह अपने देशवासियों को विदेशी शासन के अंदर सफरिंग, कष्ट झेलते हुए देख करके बहुत ही दुख से भर गए, बहुत ही बेचैन हो गए। रेस्टलेस, रेस्टलेस माने बेचैन हो जाना। वह अपने देशवासियों को विदेशी शासन के अंतर्गत देख करके, कष्ट से देख करके, कष्ट में देख करके वो बहुत ही बेचैन हो गए। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपने सारे जीवन को डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान में, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और अपने देश को ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों के शासन के चंगुल से मुक्त करने में उन्होंने अपना सारा जीवन जो है समर्पित कर दिया। इस लाइन का पूरा अर्थ देखते हैं एक बार, कि उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के उत्थान में और अपने देश को विदेशी शासन के चंगुल से छुड़ाने में समर्पित कर दिया, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसका अर्थ पूरा देखते हैं। इसमें बच्चों बताया गया है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स यानी स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिए। ठीक है, एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह शुरू किया। अब इनमें एक एक कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए उनके नाम आ रहे हैं। सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, डांडी साल्ट मार्च, डांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए थे बच्चों, तो इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, और इसको अपनी फेयर कॉपी में एक्स्ट्रा नोट्स में इनको रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, तो उनके नाम ये मैंने बताए हैं। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली अंत में, आखिरकार इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जो हैं वो अपने नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा के सिद्धांतों के लिए, प्रिंसिपल्स,
देखिए ये प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, लेकिन ये प्रिंसिपल में PAL नहीं है, लास्ट में PLES है, इसका मतलब, इसका अर्थ होगा सिद्धांत। तो महात्मा गांधी जो हैं अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पूरे संसार में जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन अवर सोसाइटी। ठीक है, उन ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक साधुओं जैसा जीवन व्यतीत किया, जैसे संत जीवन व्यतीत करते हैं। उनको कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा धन दौलत, बहुत अच्छा घर नहीं चाहिए रहने के लिए, उनको सब मोह माया नहीं होती इन चीज़ों की। तो उन्होंने, गांधी जी ने भी एक सेंटली लाइफ जी थी, एक संतों के समान जीवन जिया था, एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस, और उन्होंने, वो हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे, इनइक्वलिटी असमानता के खिलाफ थे, प्रिवेलिंग इन अवर सोसाइटी, इन द सोसाइटी, जो उस समय पूरे सोसाइटी में फैली हुई थी, पूरे सोसाइटी में व्याप्त थी, इस प्रकार की जो अनजस्ट इनजस्टिस, अन्याय और असमानता जो पूरे सोसाइटी में फैली हुई थी, उन सब के खिलाफ थे महात्मा गांधी। ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश राम राज्य, वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। आपने राम के बारे में तो सुना होगा, श्री राम जो अयोध्या के बाद में राजा हुए थे, उन्होंने कितना तकलीफ, कितना कष्ट झेला, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। प्रजा भी चाहती थी कि हमारे राम जो हैं राज्य छोड़ के ना जाएं, लेकिन अंत में जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके श्री राम अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जहाँ पे सभी लोग खुशहाल थे, किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा था, कोई भी असमानता की भावना से पीड़ित नहीं था, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं होता था, क्योंकि राम, श्री राम जो थे, उन्होंने जो अपना शासन स्थापित किया था, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। उसी प्रकार से जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने भी एक राम राज्य स्थापित करने की संकल्पना की थी। वो चाहते थे कि राम राज्य स्थापित हो, स्टैब्लिश मतलब स्थापित हो। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य का मतलब उनका क्या था कि भगवान का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन ऑफ द सेम डेइटी। ठीक है, उनके लिए राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर थे, दोनों एक ही जैसे, एक समान ही ईश्वर थे, यानी दोनों को एक जैसा ही दोनों का कार्य था, दोनों ही एक प्रकार से दोनों ही एक ही ईश्वर के दो रूप थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, उनके इसी महान कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान के लिए, देश के लिए, उनके इस महान देश के लिए जो बलिदान था, उसी के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। भारतीय लोग, भारतवासी उनको फादर ऑफ नेशन कहते थे, मतलब राष्ट्रपिता, और बापू या बापू के नाम से भी जानते थे। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। सिंस देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मर्टायर डे इन इंडिया। उनका जो राजनीतिक हत्या थी, यानी राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत जो हत्याएं की जाती हैं, या कोई महान व्यक्ति इस प्रकार माना जाता है, तो उसके लिए किल्ड वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। किल्ड मतलब भी मार दिया जाना होता है, लेकिन वॉज असैसिनेटेड का मतलब होता है जब आप किसी रेपुटेटेड व्यक्ति, यानी कोई महान या चर्चित व्यक्ति की हत्या के बारे में आप लिखेंगे, तब उस समय आपको असैसिनेटेड वर्ड का प्रयोग करना होता है। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। सिंस देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व द मार्टायर डे इन इंडिया। तभी से 30 जनवरी को मर्टायर डे इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, 30 जनवरी।